हेलो दोस्तों, जी के ट्रैक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण जी के सवालों के बारे में। वीडियो को अंत तक अवश्य जरूर देखिए। आपका पहला सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए वॉन न्यूमैन, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बैबेज, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी चार्ल्स बैबेज। आपका दूसरा सवाल है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए अटारिस, बी एनियक, सी डैंडी, डी नोवेला। सही उत्तर बी एनियक। आपका तीसरा सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। सही उत्तर सी 1946। आपका चौथा सवाल है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आपका ऑप्शन है ए 1977, बी 2000, सी 1955, डी 1960। सही उत्तर डी 1960। आपका अगला सवाल है 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। सही उत्तर बी संगणक। रोजाना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। 6 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 2 दिसंबर। सही उत्तर डी 2 दिसंबर। 7 सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 8 इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी याहू, सी बायडू, डी वॉलफ्राम अल्फा। सही उत्तर डी वॉलफ्राम अल्फा। 9 निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। सही उत्तर डी इनमें से सभी। 10 एक किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए 1024 बाइट। रोजाना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। 11 एक मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 एमबी, सी 1024 जीबी, डी 1024 टीबी। सही उत्तर ए 1024 किलोबाइट। 12 एक गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 एमबी, सी 1024 जीबी, डी 1024 टीबी। सही उत्तर बी 1024 एमबी। 13 कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। सही उत्तर डी सिलिकॉन से। 14 इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही उत्तर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15. किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। सही उत्तर सी लोगो। रोजाना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। 16. एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी पीडीए। सही उत्तर बी नोटबुक कंप्यूटर। 17. कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। सही उत्तर डी कोडांतरण से मशीन तक। 18. मल्टीप्रोसेसिंग होती है, ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। 19. निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। सही उत्तर सी सीडी रोम। 20. सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमैटिक लॉजिक। सही उत्तर डी अर्थमैटिक लॉजिक। रोजाना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। 21. सीपीयू के एएलयू में होते हैं, ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। सही उत्तर बी रजिस्टर। 22. गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए डिस्क यूनिट, बी मोडम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। सही उत्तर सी एएलयू। 23. एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। सही उत्तर ए प्रोसेसर। 24. प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 25. सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी लोग कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।